कितनी बार बोला है इंग्लिश अखबार लाया कीजिए, उतनी इंग्लिश अच्छी होगी। हाँ माँ। नहीं सब अच्छा चल रहा है, आपका कैसे चल रहे? आपका तो अच्छा ही चलेगा। शीला का भी अच्छा चल रहा है अभी। हाँ गुबे ससुमा, माँ बोल रही है शीला को उर्दा मर्जी को, मैं अकेले क्या हूँ? कोई जरूरत नहीं है। हेलो माँ, ससुमा कुछ बोलना चाहती। हेलो हेलो। बहुत भूख लगी है, पता नहीं इसने कुछ खाने के लिए किया है कि नहीं। शीला, खाने के लिए तुमने कुछ किया कि नहीं? खाना? अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने सुबह पैसे ट्रांसफर करवाए थे तुम्हारे अकाउंट में, आ गए ना? हाँ आ गए, वही बताने के लिए मैं आ रही थी। थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। सच में तुमने मेरा काफी ज्यादा टेंशन दूर कर दिया, अभी मैं एकदम खुश हूँ। और इसी खुशी के चलते तुमने खाना नहीं बनाया शायद। मैं बनाना भूल गई। कोई बात नहीं, बाहर से कुछ ऑर्डर करते। नो नो, बाहर से क्यों मंगवाएंगे, आता है मुझे खाना, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम बनाने के लिए बैठोगी तो 3-4 घंटे जाएंगे, इससे अच्छा एक घंटे में आता है ऑनलाइन, ठीक है? वही करते। ठीक है फिर, करो बाहर से कुछ ऑर्डर। बच गए। कर रहा हूँ ऑर्डर ही कर रहा हूँ। दादी। अरे बच्चों, व्हाट इज बॉन्ड? हमें ना बड़ा बोर हो रहा है, हमको कोई कहानी सुननी है। अच्छा, तो आज कहानी सुनने का मन कर गया, कौन सी कहानी सुनोगे? हॉरर कहानी। हॉरर नहीं। डर गया ना तू? डरपोक। मैं नहीं डरता। अच्छा एक बहन से बात हो गई, अब दूसरी को कॉल मत करना। नहीं नहीं, अभी नहीं करूंगी बहन को कॉल। इनका एक ससमा, क्या कर रहे हो? मेरे पोता पोती को कहानी सुना रही हूँ। कोई भूत की कहानी तो नहीं सुना रहे आप? हॉरर के अलावा कुछ सुनते? हाँ सुमा, कितनी बार मैंने कहा है ऐसी हॉरर कहानियां मत सुनाई कीजिए। शुरू हो गया इसका एफएम रेडियो। ऐसी हॉरर कहानियां सुनते तो रात को सब हॉरर हॉरर हो जाता है। जब से तू घर में आया तब से हॉरर ही हो रहा है हमारे घर में सब कुछ। नहीं सुनाइए, आप सुने हो रहे? अगर रात को मुझे उठे एक एक को चप्पल से मारूंगी, समझ गए ना दोनों? मम्मी आप कोई चिंता मत करो, हम नहीं उठाएंगे आपको। आप भी सस्सू के लिए मुझे मत उठाना। मैं कब उठाती हूँ तुझे सस्सू के लिए? उठाती हूँ, पिछली बार उठाया था आपने जब वो चुड़ैल का मर्डर हुआ था। अबरजा अपने काम कर, हल्का हो पहले। नहीं सुधरेगी बुढ़िया। अच्छा बैठ जाओ तुम दोनों, मैं कहानी सुनाती हूँ। हाँ सुनो, गौर से सुनो। ये कहानी है ज्यादा पुरानी नहीं, अभी की। देखो मैं जो भी सुना रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, फील आना चाहिए ऐसा सुनना। वैसे मैं सब फील के साथ ही सुनाती हूँ, फिर भी अंदर से ऐसा घबराना। वाह क्या ये भगवान, क्यों पॉप किया, क्यों पॉप किया मैंने? दादी आप सुनाइए कहानी। एनीवे वी कैन स्टार्ट राइट नाउ। एक पति पत्नी अपने कमरे में होते हैं। शुरू हो गई शीला। मम्मी। अरे यार नहीं है तुम्हारी मम्मी। क्या है, सुनना ही नहीं? क्या हुआ? क्या होना है, ससुमा बच्चों को कहानियां सुना रही। पत्नी अपने बालों को सवार रही होती है। कहानियां सुनाओ, अच्छी सुनाओ, उससे कुछ हम सीखे, प्रेरणा ले, ऐसी सिखाओ। नहीं भूतों की, डायनों की, ऐसी कहानियां सुनाती है बच्चों को। तभी अचानक वो चुड़ैल जैसी हंसती है। बहू, बहू ही है ना? डरिए मत, यही अंजाम होता है भूतों की कहानियां सुनने का। आप भी डरो मत, ये मेरी माँ का एक नुस्खा है। माँ ने कहा है जब आप रात होती है तो ऐसे खुले बाल करके ये ऐसे और चेहरे पे थोड़ा सा हास्य ऐसे हंसोगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। माँ का नुस्खा है तो मैंने आज शुरू कर दिया। कितनी देर चलेगा? नहीं 3 ही बार करना है बस। फिर वो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, अचानक पति को बाथरूम आती है। सुसु आ गई। सुनो ना, मैं जरा बाथरूम होके आता हूँ। पति उठता है,
कहता है मैं होके आया, पत्नी कहती है। अच्छा सुनिए, लाइट बंद करके जाना। पति थोड़ा सा डरपोकी होता है, उसको लाइट बंद करने में थोड़ी घबराहट होती है। लाइट करते लाइट बंद करते, फिर भी बेचारा हिम्मत दिखा के लाइट बंद कर देता है। उसके बाद लाइट डरिए मत। क्या कहा था मैंने, लाइट बंद करके जाना। क्यों चालू किया आपने लाइट, डरपोक कह के कीजिए लाइट बंद। तुम ही करो। सच में भाई इस घर में कितने डरपोक लोग हैं, वो बच्चे भी नहीं के ऊपर गए, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मुझे देखो निडर, एकदम ऐसी मेरे जैसी कोई नहीं। उसके बाद पति कमरे के बाहर चल के आता है, उसके अंदर थोड़ी घबराहट होती है। तभी आसमान में बिजली कर 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 कर। डर मत बच्चू, डर मत। पति थोड़ा सा घबरा जाता है, पर हिम्मत से बाथरूम की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी बाथरूम का डोर अपने क्या हो रहा है, वो बाथरूम का दरवाजा हवा चल रही बाहर, दरवाजा तो ऐसा हो नहीं है। जाइए बाथरूम करके आइए, जाइए या मैं आऊं अंदर। नहीं नहीं नहीं, जा रहा हूं। क्या आदमी है। ओ ससमा बंद कीजिए वो कहानियां, बंद कीजिए अभी इसी बात। बच्चों रहने तो नहीं सुनाते हम कहानियां, हॉरर कहानियां सुनिए इनको, डर लगता है इतनी इतनी बात पे। हवा से दरवाजा बदल रहा है फिर भी आदमी अंदर नहीं जा रहा। चलो टंकी भर दी, अभी कल सुबह लेट आऊंगा तो भी चलेगा। अभी चाबी लेता हूँ, गेट बंद कर देता हूँ और घर चला जाता हूँ। क्या हो गया बच्चा, यहीं पे रुकना, यहीं पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब जब जाए वहीं पे रुकना बेटा, बाहर मत निकल, लेट गई लेट गई। हाँ माँ। कौन है तू, दूर हो, दूर हो। ये गुटा रही है, अरे पीली साड़ी में चुड़ैल आ रही है। डरिए मत, मैं हूँ आपकी बहू। चुड़ैल से कम है क्या तू? शर्मिला बहुत डर लग रहा है मुझे। रहिए रहिए आप बाथरूम में रहिए, बाथरूम से बाहर ही मत आइए आप। नहीं वो अंधेरे की वजह से मुझे ना दिख नहीं रहा कहाँ पे कड़ी। बैठिए, एक नंबर के डरपोके सब। ससमा एक और टनो, जाओ अंदर जाके सो जाओ, बहुत देर हो गया, अभी पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं। ओ आ जाइए आप बाहर, बाहर जाके देखती हूँ मैं क्या हुआ है। ये मैं अंदर से क्यों जा रही हूँ, बाहर मत जा। आपको इससे डरपोक नहीं हूँ मैं, जाऊंगी बाहर। अरे कभी तो सुना कर, कभी नहीं सुनती, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं इस लाइट को क्या हुआ है, सोसाइटी की लाइट के अजय भी नखरे होते, महीनों में दो तीन झटके तो आ ही जाते इसको। हमारी सोसाइटी में लाइट का पानी का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बस क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। हर बार का लाइट चली जाती है 2-3 महीने बाद, पानी चला जाता है 4-5 महीने बाद। बाकी की सोसाइटी देखो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, हमारी सोसाइटी में ऐसा प्रॉब्लम होता है। शर्वरी लाइट को क्या हो गया? लगता है वेदर की वजह से लाइट चली गई है। शायद। शर्वरी जी जब भी लाइट जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में आपका चेहरा कुछ ज्यादा ही दमकता है। चाचा जी मैं यहाँ पे हूँ, बहुत सोया है। सॉरी सॉरी, वो आपकी तरफ ज्यादा अंधेरा है ना तो मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्या है शर्वरी में जब बुढ़ों के भी दिए जल रहे हैं? अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है। सुमित्रा बहन क्या हुआ, लाइट क्यों गई है? ए, मुझे क्या पता शशि बहन लाइट क्यों चली गई है, जो आता है वो मुझे पूछता है ये क्या हुआ वो क्या हुआ इसका उसका। सॉरी वो अभी सोसाइटी की सारी खबरें आपके पास ही होती है तो मैंने आपको ये पूछा। माना मैं सोसाइटी की रिपोर्ट हूँ पर सारी खबरें मैं कवर नहीं कर सकती, एक अकेली बंदी क्या क्या करेगी, कितना फुटेज आएगी। देखिए ये सब बातें छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जो सोसाइटी का मेन फ्यूज है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी को नीचे जाना चाहिए। आप जाइए, यहाँ पे खड़े रह के बात करने में बड़ा आसान लगता है,
नीचे जाके काम करने में उतना ही मुश्किल। इसको डराती हूँ। ऐसे क्या देख रही है दीदी? दीदी श्रिया, दीदी दीदी नहीं हूं मैं। कितना डर रहा है, हॉरर कहानी सुननी है, इतनी सी बात से डर जाता है तू? डर गई क्या अंदर? डरती नहीं मैं, वो गर्म बहुत हो रहा था ना, यहाँ पे हवा आ रही अच्छी, इसलिए बाहर आके। इसीलिए मैं बोलती थी सोसाइटी में बॉडीगार्ड रखते हैं, क्योंकि ऐसा कभी सिचुएशन आता है तो वो बंदा सब कुछ हैंडल कर लेता है, पर नहीं, मेरी किसी को सुननी नहीं है। एक तो हमारी सोसाइटी में सारे डरपोक भगोड़े, कोई नहीं जाएगा नीचे देखने। वो बंदा होता तो अकेले चला जाता नीचे, सब कुछ देखता, लाइट चालू करता। अभी कौन करेगा लाइट चालू? वॉचमैन का है, मुझे ये समझ में नहीं, उसका काम है पता नहीं कहाँ पे, उसको तो हम यूं ही पैसे दे रहे। पानी खत्म हो जाता है, लाइट चली जाती है, और वहां से क्या करते है किसी को नहीं पता। चाचा जी आपका दोस्त कहाँ? बाढ़ में जाए। दिखा दिया आपने अपना असली रंग। और ये देखो ऊपर आए नीचे, यही था क्या? बहुत बोल दिया मैंने इसको। क्या मिला मुझे आपसे दोस्ती करके चाचा जी? बस बस ज्यादा मत बोल, लाइट का क्या प्रॉब्लम हुआ है और तू यहाँ पे क्यों पड़ा है? तो इतना गर्मी हो रहा है हमारे घर में, मेरा पंखा एसी, पंखा नहीं है हमारे घर में, पंखा नहीं है, सारे एसी है, ब्रांडेड घर है ना, सारे एसी बल्ब पड़ गए हमारे घर के, गर्म हो रहा है कितना। वो यहाँ पे हाँ, मैंने सोसाइटी में फिर से चुड़ैल को देखा। हाँ, चुड़ैल का फिर से रोका क्या? चुड़ैल सासू माँ। क्या हुआ माँ? बेटा अंदर ही रहना, अंदर ही रहना, सोसाइटी में चुड़ैल इज बैक। श्रेया के पापा कहाँ से बोल रहे? वो बाथरूम में घुस के बैठे, निकल ही नहीं रहे बाहर। अभी तुम्हें बताओ अच्छा लगता है ये? ओ आइए बाहर। आप शर्वरी जी देख रहे, जोया जी देख रहे, सब देख रहे, अच्छा नहीं लगता, आइए बाहर। क्या शर्वरी जी देख रही है क्या? हाँ वो देख रही है ना शर्वरी जी आप? हाँ सब देख रहे हो। देखा सुना आपने, शर्वरी जी देख रही है। शर्मिला क्या कुछ भी बोल रही हूँ, मैं डरता हूँ क्या? वो कड़ी खुल नहीं रही थी इसीलिए मैं अंदर था, बिल्कुल नहीं डरता शर्वरी जी, मैं बिल्कुल नहीं डरता। हाँ बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हाँ, डर नाम का चीज मुझे पता ही नहीं। ठीक है तो जाइए नीचे और सोसाइटी का मेन फ्यूज चेक कीजिए। जाइए नीचे। क्या है, अगर लाइट नहीं आए तो सबको बहुत परेशानी होगी। आपको भी हो रही क्या तकलीफ? सब में मैं भी आती हूँ। ये सुन, ज्यादा और कॉन्फिडेंस मत मार उसके सामने, चड्डी बड्डी गीली हो गई, मैंने धोने वाली, समझ गया तो? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं डरता, नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। जाऊंगा मैं जाके नीचे चेक करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं जाता हूँ नीचे, अभी चेक करके आता हूँ। आधे रास्ते में मुड़ जाएंगे। श्रेया के पापा बेस्ट ऑफ लक। अब तो मैं बिल्कुल नहीं मुड़ूंगा, नीचे जाऊंगा चेक करूंगा। तू आ तो गया नीचे, पर अगर सच में कुछ हुआ तो? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। शीला, शीला कहाँ चली गई है? कुछ नहीं आता। ये क्या सब बाहर? जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। अब सासू माँ क्या हुआ रे? शीला आपके पास आई क्या? नहीं तो हमारे पास नहीं आई शीला। क्यों पूछ रहे हैं आप अभिजीत पर? वो शीला घर पर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, कहाँ गई फिर? पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया, मुझे लगा आपके पास आई होगी। मैं तो क्या बात कर रहे हो अभिषेक, ऐसे कैसे शीला कहीं पे जा सकती है? देखा मैंने कहा था ये हमारी बेटी के साथ कुछ करेगा, कर दिया, इसलिए कुछ तो हमारी बेटी के साथ। उन्हें कुछ किया होगा, झगड़ा वगड़ा किया होगा, गुस्से में आके वो चली गई होगी। नहीं कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, हम तो अच्छे से सो रहे थे, जब मैं उठा तब देखा तो शीला बेड पे नहीं थी और दरवाजा भी खुला था, इसलिए मैं बाहर आ गया देखने के लिए कि आपके पास तो नहीं आए। उन्हें झगड़ा नहीं किया कुछ पता नहीं, कोई भाग तो नहीं गए? इतना कुछ किया मेरे बेड पे। नीचे देखो नीचे। क्या है? आप
कहाँ जा रही तू? ए ए सोन, चुड़ैल इसको लेके जा, लेके जा। पद्मा क्या बोल रही हो? चुड़ैल इसको लेके गई, खुशी लग क्या होगा? आ जाएगी हमारे पास। कौन है वो? शीला। शीला? ले, सारा मूड खराब हो गया। कितना मूड बन गया था, था हॉरर टाइप सब कुछ हो गया था। लाइट का भी चला गया, देखो आ गई। कहाँ हूँ मैं? तुम सोसाइटी के बीचों बीच हो। ये शीला रात को ऐसा क्यों चल रही है? तो पागल वागल तो नहीं हो? दरअसल शीला रात में बात करती है, उसको काफी आदत है रात में बात करने की, वो मुझे पता था। पर रात में चलने के भी आदत है ये आज पता चला। अरे हाँ, मैं तो इसकी आदत के बारे में भूल ही गई। वो शीला को ना रात में चलने की बोलने की ऐसी आदत है, आज तो सारी हदें क्रॉस कर दी इसने। ओ तो ऐसी बात है, हमने खामखा राय का पहाड़ कर दिया और खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ चूही।